तो आज भी वाहिद जरिया अपने दुश्मनों से मुकाबला करने का, हालात से निमटने का यही है कि सारे मुसलमान एक कलमे की बुनियाद पर, कुरान सुन्नत की बुनियाद पर एकजुट हो जाए। और जब सारे एकजुट हो जाएंगे सिर्फ कलमे की बुनियाद पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की बुनियाद पर, तो फिर दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इनका मुकाबला कर सकती है। तारीख इससे भरी पड़ी है, मुसलमानों की तादाद हर जमाने में हर जंग में कम रही है, लेकिन हमेशा वो कामयाब रहे। क्यों? कुरान और सुन्नत पर उनका अमल था, इत्तेहाद और इत्तिफाक उनके अंदर था, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी ताकत उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती थी। आज मुसलमान काफी तादाद में दुनिया के अंदर मौजूद है, 57 इस्लामी ममालिक दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन एक छोटा सा इसराइल फलस्तीनियों को मार रहा है, मस्जिद अक्सर की भी हरमती कर रहा है। वहां छोटे छोटे मासूम बच्चे, अगर उनकी खबरें आप देखेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आएगा, आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कितना ही सख्त दिल इंसान, पत्थर दिल इंसान हो, अगर वहां की जो खबरें आ रही हैं उसको अपनी आंखों से देख ले, वो रोने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसी ऐसी हालत में दूध पीते बच्चे नजर आ रहे हैं, और इतने सारे इस्लामिक देश होते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जिस तरह का रिएक्शन होना चाहिए था वो नजर नहीं आता, उनके दरमियान इत्तेहाद और इत्तिफाक ही नहीं है। एक को दूसरे से तकलीफ है, दूसरे को तीसरे से तकलीफ है, उनका आपस में सियासी इख्तिलाफ है, किसी का रंग और नस्ल का इख्तिलाफ है, तो एक जगह जमा नहीं होते। सारी दुनिया का कुफ्र और शिर्क एक जगह जमा हो गया इस्लाम के खिलाफ, लेकिन सारे मुसलमान जिनका काबा भी एक है, नबी भी एक है, कुरान भी एक है, कलमा भी एक है और सब कुछ एक है, लेकिन वो एक जगह जमा नहीं हो पाए कुफ्र के खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ। तो हमें और आपको अगर अपने दुश्मनों से मुकाबला करना है, हालात से निमटना है और दुनिया के अंदर कुछ करना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, कुरान और सुन्नत पर अमल। और कुरान और सुन्नत पर जब हम अमल करेंगे तो सबसे पहली तालीम उसकी यही मिलेगी कि हम सब एकजुट होकर के जिंदगी गुजारें, जहां भी रहे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारें। इत्तेहाद और इत्तेफाक के अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। एक जगह जब जमा होकर के लोग जिंदगी गुजारते हैं तो उनके साथ अल्लाह की मदद होती है, यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह की मदद जमात के साथ होती है, अल्लाह की मदद इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ होती है, अल्लाह की मदद एकता के साथ होती है। तो हम सब जहां भी जिंदगी गुजारे एकजुट होकर के जिंदगी गुजारे, कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अल्लाह ने हमारी और आपकी कामयाबी इसी के अंदर रखी है।